तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आज वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है, और जिसको पूरा खत्म करने के बाद में मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले लाइव एक्शन ने बाकी अदर लाइव एक्शन की तरह डिसअपॉइंट नहीं करा है। हाँ, इस वाले लाइव एक्शन के अंदर भी कुछ खामियां थी जिनके बारे में मैं आगे चल के बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले लाइव एक्शन से काफी ज्यादा खुश हूँ। जो जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट करी थी उसे ज्यादा ही मुझे इस वाले सीरीज के अंदर देखने को मिला। इस वाले लाइव एक्शन को देखने के लिए अगर आपने पहले से ही वन पीस देखा हो या नहीं देखा हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका पहला एपिसोड देखने के बाद ही आपको वन पीस के वर्ड के बारे में ढेर सारी चीजें पता चल जाती है, जहाँ पर लाइव एक्शन के अंदर बस 8 एपिसोड के अंदर हमको पूरा का पूरा ईस्ट ब्लू सागा कवर करके दिखाया गया है। अगर वहीं पर बात करें एनिमे की, तो एनिमे के अंदर हमको टोटल 60 एपिसोड के अंदर ईस्ट ब्लू सागा दिखाया गया था, जिसकी वजह से अगर आप एनिमे के अंदर ईस्ट ब्लू सागा देखते तो वहाँ पर भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता है स्ट्रॉ हैट को जमा होने के लिए। आधे टाइम तो बस लूफी और ज़ोरो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इन लोग ने लाइव एक्शन के अंदर काफी सारी चीजें चेंज करी जिसकी वजह से स्टोरी काफी ज्यादा फास्ट लग रही थी। जहाँ पर बात करें एनिमे की, तो एनिमे के अंदर हमको ईस्ट ब्लू के अंदर गाप का इतना बड़ा वाला रोल दिखाया नहीं गया था, लेकिन लाइव एक्शन के अंदर इन लोग ने गाप का काफी बड़ा वाला रोल रखा है, जो कि सीधा एंडिंग तक लूफी के पीछे पड़ा था। और हम कैप्टन बगीसामा को कैसे भूल सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि कैप्टन बगीसामा हमको इतनी टाइम तक स्ट्रॉ हैट्स के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कॉमेडी भी अच्छी खासी हो रही थी। मैंने एक ही एपिसोड को 2-3 लैंग्वेज के अंदर देखने का ट्राई करा, जहाँ पर इंग्लिश तो क्या ही बोले, वो तो ओरिजिनल लैंग्वेज थी। उसके बाद में मैंने हिंदी ट्राई करी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें थी जो कि मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन सच बताओ तो मुझे लूफी और ज़ोरो की वॉइस काफी ज्यादा पसंद आई हिंदी में। भाई हिंदी में तो ज़ोरो की आवाज काफी ज्यादा तगड़ी लग रही थी, वो भी क्यों ना संकेत मात्रे ने यहाँ पर हिंदी डब में ज़ोरो को वॉइस दी थी जो कि काफी ज्यादा सूट कर रही थी। और बात करें जापानीज डब की, तो जहाँ पर हमको हमारे ओजी कैरेक्टर्स की रियल्स वॉइस देखने को मिली जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग गया, क्योंकि देखो एनिमे और लाइव एक्शन के वॉइस ओवर में काफी ज्यादा अलग डिफरेंस था। एनिमे वाला काफी गोफी साउंड कर रहा था, लेकिन जो लाइव एक्शन वाला है वो थोड़ा मैच्योर कभी कभी गोफी टाइप का था, इसलिए उनके वॉइस ओवरिंग और थोड़े से लिप्स मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या ही कर सकते, लाइव एक्शन और एनिमे के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर मुझे जापानीज के अंदर कोई कोई जो आवाज है वो थोड़ी सी नई लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज तो एनिमे के अंदर कभी सुनी नहीं, इस वाले कैरेक्टर की आवाज है नहीं। हाँ, एनिमे और लाइव एक्शन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। बात करें यहाँ पर कैरेक्टर्स की, तो सभी कैरेक्टर्स ने अपना रोल काफी ज्यादा अच्छा प्ले करा है, जहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर लगभग सूट ही कर रहे थे। एपिसोड 1 के अंदर हमको ढेर सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी मदद से स्टोरी काफी ज्यादा फास्ट पेज में चल रही थी। बात करें सेकंड एपिसोड की, तो उसके अंदर पूरी की पूरी स्पॉटलाइट तो कैप्टन बगीसामा ने ले ली थी। सच में यार, जिस बंदे ने कैप्टन बगीसामा का रोल प्ले कराना, वो देखने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। एक टाइप से भाई डरावना भी लग रहा था, दूसरे टाइप से फनी भी काफी लग रहा था। बस मुझे एक ही एपिसोड थोड़ा सा लंबा लग रहा था, जो कि था एपिसोड नंबर 4, जिसके अंदर स्टोरी भी इतनी खास कुछ चल नहीं रही थी, लेकिन एपिसोड काफी ज्यादा लंबा था। एपिसोड 2 के बाद से हमको विजुअली काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिली, जहाँ पर कैप्टन बगीसामा का सर्कस वाला शो हो गया, बराटी वाला सीन हो गया, गोइंग मैरी वाला सीन हो गया, और वो जो स्टार्टिंग में आता है सी मॉन्स्टर वो वाला सीन भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एक चीज की मुझे इस वाले सीरीज के अंदर कमी लगी, जो कि थी फाइटिंग सीन्स तो इस वाले सीरीज के अंदर थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफी ज्यादा कम थे। जहाँ पर हमको लूफी के भी गिने चुने अटैक दिखाए गए, इतने ज्यादा वेपेक्स वाले अटैक हमको देखने को नहीं मिले। ओवरऑल वन पीस की ये वाली लाइव एक्शन सीरीज काफी ज्यादा अच्छी थी। मेरे हिसाब से इन लोग ने थोड़े से अटैक पैटर्न ऐड करने चाहिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीन भी थे जो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे, जहाँ पर ज़ोरो मिहॉक से हार जाता है, उसके बाद में जब ज़ोरो डायलॉग बोलता है ना, वो वाला मुझे इतना पसंद नहीं आया। और लूफी जब नामी को अपनी स्ट्रॉ हैट देता है, आर्लॉन्ग पायरेट को हराने जाता है, वो वाले सीन के अंदर भी इतनी फीलिंग नहीं आई। सब चीजें परफेक्ट हो जाएगी तो लाइव एक्शन और एनिमे के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा, चलो इतना तो चली जाता है। तो आपको वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।